यहाँ मिली है गरम गरम ब्रेड पकौड़ा, हाँ सब्जी के साथ और चाय, ये रहा। ओहो चाचा के मुँह पानी रुक नहीं रहा। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे को बस नहीं रुक रहा। ये रख लो वारी, जगह थोड़ी अंदर कहाँ रखे भैया, यहाँ रख लें इधर। लो इधर मुझे, ये रखो सब्जी इधर आ जाओ, यहाँ चाय दे देना भाई को, कहाँ रख लेना। अरे सबसे बेस्ट है ये ना, खुली जगह, ये देना ये देना। गर्मा गर्म सब्जी स्वाद में, ब्रेड पकौड़ा आज पड़ी है, खाना दो पहले खा के फिर करते हैं, दिखाते हैं बर्फ आपको। हाँ हाँ बेहतरीन, मज़ा आ गया, दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमें भगवान के, मज़ा आ गया। विद इन 10 मिनट्स चीयर्स, दर्शन करके वापसी, अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी खड़ी है भैया आराम से, इधर उधर कहीं वहाँ खड़ी है जगदीश पंडाल के आगे, सारे में जाम लगा हुआ है। ये तो बिगेस्ट प्रॉब्लम होगी भाई, गाड़ी कैसे निकलेगी, जाम लगा हुआ है वहाँ, पुलिस वाले चलान काट देंगे, वो यहाँ जाने देंगे ना। अब माना अब दिखाते हैं आपको इंडिया का लास्ट विलेज, लास्ट इंडियन विलेज माना, ये रहा माना, लास्ट इंडियन विलेज सीमा समाप्त क्षेत्र। ये जो है रोड, ये सिर्फ आर्मी के लिए है, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस सामने चल रही रामकथा, बहुत बड़ा टेंट लगाया हुआ है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं, और वो सामने विलेज है माना विलेज, ये आर्मी ऑफिस माना का। कितना सुंदर दृश्य है माना जाते हुए, छल छल करता बहता पानी, ये हो रही है राम कथा। कितनी गाड़ी खड़ी है, पानी वर्षा का पानी ऊपर से आ रहा है ये। अब बद्रीनाथ से चलते हैं, शायद हो सकता है केदारनाथ, हो सकता है नोएडा, कुछ अभी पता नहीं है एग्जैक्ट किस जाना कहाँ है, लेकिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, भगवान बद्री विशाल ने इतने अच्छे दर्शन दिए, और जय बद्री विशाल। बहुत अच्छा लगा यहाँ के एक प्राकृतिक सौंदर्य देख के, बहुत अच्छा लगा यहाँ के सुहाना मौसम, और यहाँ की जो एक हवा है ना, हवा के अंदर जो एक खुशबू है वो बहुत मतलब दिल को ना बहकाती है। और मैं तो खैर 15-16 साल से आता हूँ यहाँ बद्रीनाथ, और अभी 3 साल बाद आया हूँ सन 2019 के बाद, आके बहुत सुंदर लगा। बस ये जो होटल है सरोवर पोर्टिको, ये थोड़ा चेंज हो गया पहले से, यहाँ का 3-स्टार होटल है और अच्छा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पहले चेंज हो गया हल्का था, पहले बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो गया इसका, मतलब वो स्टाफ नहीं रहा, शुरू में जब खुला था ये 2018 में तब भी आया था यहाँ पर, तो ये चीज़ें हैं। अभी आ रही निकल रही है गाड़ी हमारी, दिखाता हूँ आपको, और ये इसकी ये बाहर का है, ये होटल का मेन गेट है, सुबह सफाई चल रही है, सुबह से भैया आ गए सफाई करने के लिए, वहाँ है हमारा मंदिर उस साइड, और ये रोड जा रही है सीधा जोशीमठ, और गाड़ी आ रही है हमारी वहाँ से, चार चला रहे गाड़ी, आ जाओ लाल थार का भी एक लड़का आया था जो हमारे लगे चक्के गया गाड़ी के अंदर, मुझे कह रहा भैया लाल गाड़ी ना मेरी फेवरेट है ना, कहा तू ले ले, कह रहा भैया ना बस लाल तो हमारी फेवरेट ही है, फेवरेट है नहीं है पता नहीं, लेकिन अच्छी लगती है तो मेरी, भगवान चाहे क्या करे क्या ना करे, लेकिन मैं हर साल भगवान बुलाता मुझे ज़रूर है, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ लगभग 2005 से आ रहा हूँ, पहली बार 2002 में आया था, लेकिन अपनी गाड़ी से 2005 से आ रहा हूँ, और यार ये आप सब लोगों की फेवरेट हमारी लाल थार, ऑटोमेटिक पेट्रोल है, लेकिन मज़ा इस मज़ा है ना पहाड़ों में चलाने का, चाचा ही बोल रहे इनकी तो वो है डीजल है मैनुअल, लेकिन ये चीज़ ये भी बोल रहे थे कि वाकई यार इसका जो मज़ा है ना चलाने का वो किसी गाड़ी का नहीं पहाड़ों में, और जो लुक लगती है इसकी आगे से डेंजरस, बहुत बहुत ज़बरदस्त लुक लगती है इसकी, आवाज़ तो है नहीं, साइलेंट कार है। यस आई एम फाइन, जय बद्री विशाल, बहुत बड़े दर्शन हो चाचा, मज़ा आ गया। अभी किधर जाने का? अभी कुछ नहीं पता चलते, बीच में फ़ोन आएगा सिस्टर का, बता वो बात कर रही हो केदारनाथ के लिए, ठीक है जी, जय बद्री विशाल। चलो चलते हैं, अब गाड़ी बैठते हैं निकलते हैं, अब कहाँ जाते कुछ पता नहीं है, देखते हैं कहीं ना कहीं तो जाएगा ही भगवान, ये रास्ता लेके जाएगा ये। अरे राम राम राम, ये बिल है जी हमारे खाने का 1400, ज़्यादा नहीं है 1400 रुपये तो है, हाँ कोई बात नहीं, सरोवर पोर्टिको
पोर्टिको नाम है इसका, पोर्टिको, पोर्टिको। अब यहाँ से निकलते हुए ये आ रही हमारी गाड़ी भैया आराम से चलना। ये इंसान इतना झूठा है ना, मुझे बोला जाते हुए तू चलाएगा और फिर आगे बैठ गया। नहीं जितनी तुम्हें आते हुए चलाई थी गाड़ी मैं उतनी चलाऊंगा, ठीक मेरे हिस्से की चलाई थी ना जितनी तूने, मैं सिर्फ उतनी चलाऊंगा, जोशी मठ तक चलाऊंगा उसके बाद तू ही चला, ठीक है जी। देख मैं सुबह जल्दी उठ गया था तो मुझे फिर सोना है, फेंक दो। हां नहीं रख लो, फेंकना क्या। ये आ गए हमारे अंकल पुलिस वाले, अब ये चेकिंग करेंगे कितने बंदे आए थे कितने जा रहे हैं। जय बद्री विशाल। हो गया। अब आ रही हमारी थार निकलती हुई, अंदर है अंदर से। ग्रेट, बढ़िया, आ जाओ आप भी आ जाओ। ये जी हनुमान चट्टी, जो भी यहाँ आता है मान्यता है कि यहाँ रुक के जो दर्शन करके जो जाएगा, मैं आपको दर्शन कराता हूँ हनुमान जी के, बद्रीनाथ जो भी आएगा जो जाएगा यहाँ से दर्शन करके आएगा और दर्शन करके जाएगा। ये हैं बाबा हनुमान जी, जय हो प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी आएगा जो भी जाएगा, दर्शन हो गए हैं, अब फिर निकलते हैं यहाँ से। ये कुछ प्रसाद की शॉप्स हैं यहाँ पर, यहाँ प्रसाद मिलता है। ये घड़ी अपनी डैशिंग बैशिंग थार, ये पूरा हनुमान चट्टी है। यहाँ पे देखिए ये है सबसे खतरनाक रोड जो कि अब गुप्त काशी का है। ये भैया हैं, अभी देखे लोग देख रहे हैं, लैंडस्लाइड तो नहीं हो रहा, रुकी हुई हैं गाड़ियाँ, दिखाता हूँ अभी आपको। वहाँ से ऊपर लैंडस्लाइड होता है, वो पत्थर नीचे आते हैं, आ रहे हैं पत्थर, आ रहे हैं नीचे, वो आ रहे हैं, वो रे वो रे, ये गिर रहे। ये सबसे खतरनाक जोन यहाँ का, देखिए अभी हो रहे हैं गिर रहे पत्थर पतले पतले, वो आ रहे हैं पत्थर, आ गए कितने सारे, ए आए ए आए ए आए। यहाँ से हो रही है लैंड स्लाइडिंग, ये देखो पत्थर आ रहे हैं। चलो 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 निकलो फटाफट निकलो, करो 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 करो। ये बद्रीनाथ से केदारनाथ का बीच वाला रोड है और ये गोपेश्वर रोड जाता है चौपटा, चौपटा से फिर जाएंगे उखी मठ, उखी मठ से सीधा केदारनाथ। अभी फिलहाल जा रहे हैं गुप्तकाशी, गुप्तकाशी हमारा हेलीकॉप्टर बुक है कल मॉर्निंग के लिए, फाइनलाइज हो चुका है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा अल्टीमेट, यहाँ की छोटी रोड्स थोड़ी सी पतली पतली हैं, सिंगल रोड है, ट्रैफिक दोनों तरफ से आ रहा है। ये देखिए वाओ व्हाट अ वंडरफुल सीन है ना, गजब, लुक एट दिस ब्यूटीफुल, वाओ 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 वाओ। पहुँच गए चौपटा और ये देखिए चौपटा का नजारा, वाओ गजब। ये चौपटा पहुंच गए चौपटा, चौपटा में देखिए कितना मजा आ रहा है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। अभी चौपटा मिल गया मेरे बहुत प्यारे प्यारे अंकल मुंबई से हैं। ये रहे हमारे अंकल्स, इज फ्रॉम मुंबई, एवरीवन इज फ्रॉम मुंबई। तो भाई अंकल टेक केयर, तो भाई बाय बाय बाय, थैंक यू, या व्हाई नॉट। तो चलते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लुक एट दिस, और ड्राइव करते करते चलते हैं अब केदारनाथ। सी यू इन केदारनाथ। पहुँच गए केदारनाथ, केदारनाथ में हम आ गए हैं ब्रांच करके ये रिजॉर्ट, और ये बिल्कुल हेलीपैड के सामने है। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के बिल्कुल रूल्स होते हैं, पहले होगा बॉडी वेट, बॉडी वेट के बाद कुछ आधार कार्ड से पेपर वर्क, यहाँ होगा बॉडी वेट, देन होगा हमारा टिकट हमें मिलेगा। बस फ्लाइंग से पहले ब्रेकफास्ट चल रहा है और भैया हमारी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं है, ब्रेड टोस्ट और चाय, ये अब मैं बैठा हेलीपैड के बिल्कुल सामने। यार क्या मौसम, मजा है भाई, बहुत मज़ा आ गया यहाँ आके, तो दिल नहीं करता नोएडा जाने का, होते यहाँ आ गए तो बस यहीं रहो। लेकिन जिम्मेवारी हैं, घर के कुछ बच्चे हैं, मम्मा हैं, छोटा भाई है, सब कुछ देखना पड़ता है, वाइफ है,
हमारी बहू भी घर पे है, हमारे जो डॉगी हैं क्या करें, मजबूरी है। चलो भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और आप भी अपने घर में ब्रेकफास्ट करा करो हेल्दी। चीयर्स। आगे जब अपना तो हेलीकॉप्टर सामने से और हम चल रहे हैं केदार बाबू की तरफ। कुछ नहीं आ रहा है, आइए अपना हेलीकॉप्टर दिखाते हैं आपको। आप उड़ेंगे 8 मिनट के लिए सीधा केदारनाथ। हेलीकॉप्टर उड़ान भर गई है हमारे केदारनाथ की तरफ।